हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ममता और आप देख रहे हैं ममता इन्फॉर्मेशन। अब मैं आपको बताने वाली हूं कि हम लोग इरेज कैसे करते हैं। अगर हम लोग थंबनेल लगाते हैं और मतलब कहीं भी पिक करते हैं, आप कहीं पर लगाना चाहते हैं, तुमको लगता है कि बैकग्राउंड अच्छा नहीं आया है, तो उसको इरेज कैसे करते हैं, तो बहुत ही आसान है इरेज करना। चलिए बताते हैं कैसे इरेज करते हैं। तो इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। प्लीज़ लाइक करना बहुत ज़रूरी है, और हाँ, अपने फ्रेंड में शेयर जरूर करिएगा। तो चलते हैं, सीखते हैं कैसे बैकग्राउंड इरेज करें। बैकग्राउंड इरेज करने के लिए आपको एक ऐप्स लेना होगा जिसका नाम है पिक्सा आर्ट, या आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं पिक्सा आर्ट करके ऐप से। फिर आपको वहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको कोई कॉस्ट वेस्ट नहीं देना, कॉस्ट पे क्लिक नहीं करना, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए मैं बताती हूँ कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट लेना है। ये पिक्सा आर्ट मैंने जो पहले से डाउनलोड कर रखा है प्ले स्टोर से, तो यहाँ पर देखिए आ गया, ये खुल गया है। खुलने के बाद हमको यहाँ देखिए प्लस उस पर क्लिक करना होगा। देखिए प्लस पे क्लिक करने के बाद आपको अपनी फ़ोटो एक सेलेक्ट कर लेनी होगी जो आपको चाहिए, कि आपको लगता है बैकग्राउंड अच्छा नहीं है। तो चलिए मैं अपनी एक अच्छी सी फ़ोटो सेलेक्ट कर लेती हूँ। तो ऑल फ़ोटो आप क्लिक करेंगे, मतलब आप यहाँ पे जाएंगे तो अपनी फ़ोटो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अपनी एक अच्छी सी फ़ोटो सेलेक्ट कर लेती हूँ। एक फ़ोटो सेलेक्ट कर ली है, ये देखिए फ़ोटो आ गई है। अब यहाँ के आपके फंक्शन को समझना होगा। यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सारे फंक्शन बता दूंगी कि यहाँ पे फ़ोटो कैसे बनाते हैं। क्या अभी मैं सिंपली आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि बैकग्राउंड कैसे इरेज करते हैं। तो बैकग्राउंड इरेज करने के लिए आप देख रहे हैं कि कट आउट करके एक ये देखिए आइकॉन है, उस पर आपको क्लिक करना होगा। ये देखिए यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको देखिए ये सारे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन आपको मैं बहुत ही ईजी तरीका बताती हूँ, तो बहुत ही आसान है। ये देखिए ये पर्सन है, ये पर्सन पे आपको क्लिक कर देना है। इसे क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिकली सब मतलब सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये देखिए अभी हो जाता है 2 मिनट में, तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। ये आपके नेट पे निर्भर करता है, मेरा नेट जरा यहाँ पे लग रहा अभी स्लो चल रहा है। तो ये आप देखिए सेलेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे प्रीव्यू है, यहाँ पे आप ऐसे क्लिक करेंगे तो देखिए ये ऐसा आ रहा है। लेकिन आपको अगर लगता है कि ये कुछ मतलब रह गया या कुछ मेरा मिट गया है, तो यहाँ पे आप देखिए इरेजर करके, इरेजर पे ऐसे देखें क्लिक करेंगे तो इसे जूम करके इसको अच्छे से ऐसे इरेज कर देंगे। देखिए चलिए हम करके बताते हैं। तो इसको देखिए अच्छे से करके कर लेंगे हम। लेकिन आपको लगता है ये थोड़ा सा मतलब ये मेरा मिट गया है, तो फिर से रिस्टोर करके ये देखिए है, और यहाँ पे आपको फिर से ऐसे कर लेंगे तो ये फिर से आ जाएगा। ये देखिए अगर फिर से आ गया तो फिर आप जूम करके इसको आराम से अच्छे से कर लेंगे। चलिए हम अच्छे से कर लेते हैं इसको पहले। ये देखिए इसको अच्छे से इरेज कर लेना है जैसा आपको चाहिए। आपको लग रहा है कि कुछ रह गया है, या आपको लग रहा है कि कुछ यहाँ से चला गया है, तो ये देखिए रिस्टोर करके ये आप फिर से मंगा सकते हैं। ये देखिए, लेकिन आपको लग रहा है कि ये सेलेक्ट करने के बाद ये नहीं चाहिए हमको, तो फिर आप यहाँ से जाके ये देखिए सिंपली यहाँ से इरेज कर सकते हैं। ये देखिए अब देखिए ये जूम करके देखेंगे तो ये जितना जूम करके देखेंगे उतना अच्छे से ये आप कर सकते हैं। देखिए ये आपको लगता है कि ये भी अच्छे से हो गई है, तो इसको हम फिर जाके इसको देखिए यहाँ पे सेव का निशान बना है, वहाँ से सेव कर लेते हैं। तो ये देखिए आपका बैकग्राउंड इरेज हो चुका है। फिर आप इसको जाके कहीं भी बैकग्राउंड, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देती हूँ कि इसको एडिट कैसे करेंगे। आपको बैकग्राउंड चेंज करना है और आपको अपनी अच्छे से बैकग्राउंड फ़ोटो लगानी है, तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, मैं उस पर आप बता दूंगी। ये बहुत सारे फंक्शन है, फंक्शन के बारे में भी मैं बता दूंगी। तो ये अभी आप मैं सिर्फ ये बताती हूँ कि आपका सिर्फ बैकग्राउंड इरेज कैसे करते हैं। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसके लिए मैं इसमें पूरा नहीं बताती हूँ, आपको सिर्फ ये बताती हूँ कि बैकग्राउंड इरेज कैसे करते हैं। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि इसको फ़ोटो बैकग्राउंड में दूसरा फ़ोटो कैसे लगाते हैं, इसको फ़ोटो को कैसे मतलब अच्छे से एडिट करते हैं, ये सब मैं बता दूंगी। तो आप देखते रहिए इस चैनल को और मेरे इस चैनल को देखते रहिए करिएगा, तो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी जो भी आपको चाहिए। तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, प्लीज़ इस चैनल देखिएगा, और जो भी आपको चाहिए फ़ोटो एडिटिंग से लेकर मैं इसमें के सारे फंक्शन बता दूंगी। ये ऐप्स बहुत अच्छा है, तो
तो इसके सारे फीचर मैं बता दूंगी। और इसको डाउनलोड करने के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, मैं इसको लिंक दे रखा है, दे दूंगी वहाँ पे, आप वहाँ से जाके सिंपली इंस्टॉल कर लीजिएगा, जिससे आपको खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्लिक करने के बाद सेव टू गैलरी जरूर करना है। ये देखिए सेव टू गैलरी का ऑप्शन है, यहाँ पे आपके जाके चाहे तो आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे कहीं पर कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी तो आप तो सेव टू गैलरी में ऐसे जाके सिंपली सेव कर दीजिएगा, तो ये सेव हो गया। यहाँ पर एक और ऑप्शन आएगा कि फ्री ट्रायल का, लेकिन आपको उस पर क्लिक नहीं करना, आपको सिर्फ आपको फ्री में करना है। तो बस आप इसको वहाँ से फ्री ट्रायल अगर आता है तो वहाँ से कट कर दीजिएगा, और यहाँ पर से ये देखिए ये आइकॉन बना है, इस पर आप क्लिक करिएगा तो ये जाके ये देखिए ये आ रहा है। ये आपको नहीं करना है, आप ये आता है तो आपको ये बिल्कुल नहीं करना है, यहाँ से आपको इसको कट कर देना है। कट करने के बाद इसको फिर से ऐसे करेंगे तो सेव टू आ जाएगा, फिर आपको सेव टू गैलरी में इसको भी कर देना है, फिर आपको सेव टू गैलरी में जाके इसको सेव कर देना है, यहाँ से देखा होगा। तो आपने देखा होगा कितना सिंपल तरीका है बैकग्राउंड इरेज करने का। तो बैकग्राउंड इरेज करके हम अपनी अच्छी सी फ़ोटो लगा सकते हैं, फ़ोटो बना के, और फेसबुक मतलब इंस्टाग्राम स्टेटस या यूट्यूब पे लगाना है तो उसको इरेज करके अच्छे से फ़ोटो बना सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, तो इसमें मैंने बहुत ही स्टेप अच्छा बताया, मतलब बेसिक बताया है, इससे वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो बेसिक स्टेप है, आप करके मतलब प्रैक्टिस करेंगे तो उस पर अच्छे से सीख जाएंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।